हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर शैडो। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर मैपिंग। देखिए, आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग आती है कि किस तरीके से हम हाई एंड लो कंफर्म करते हैं, बट बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनको ये नहीं पता कि स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग कहाँ से ड्रॉ आउट करोगे, किस लेवल से हम क्या उसको ड्रॉ करेंगे। मतलब कहने का मतलब है, आप लोगों को ये पता है कि मार्केट जब आप लोगों का इंड्यूसमेंट लेता है, जैसे जनरली मार्केट ने इस लेवल पे इंड्यूसमेंट लिया, देन आपका हाई कंफर्म हो। विदाउट इंड्यूसमेंट आपका हाई या लो कंफर्म नहीं होता, ये आप सभी को पता है। बट लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि किस लेवल से हम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, मतलब जो हमारा लेवल है वो कहाँ से हम ड्रॉ करें। क्योंकि अगर ऐसे देखेंगे तो चार्ट बहुत तरीके से होता है, तो सिंपल है इसमें हम कहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ करने का प्रोसेस है वो कहाँ से आप कर सकते हो। आप सिंपल दो तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, आपने देखा कि मार्केट यहाँ से अप जा रहा था, ये मार्केट क्या था आप लोगों का, पूरा यहाँ से मार्केट अप था। मार्केट यहाँ से, ये जैसे आप देख रहे हो, ये क्या था, मार्केट पूरा अप। आपने देखा जनरली लास्ट हाई कौन सा है, ये वाला। आपने देखा कि यहाँ से चेंज हुआ है हमारा स्ट्रक्चर। सिंपल से अगर आप लोग मैप में देखोगे ना, तो आपको एक क्लियर वे दिखता है कि जहां से आपको दिखता है कि मार्केट जहां से आपका चेंज हुआ, तो आपको इधर क्लियर दिख रहा है कि चेंज कहाँ से हो रहा है, इस लेवल से मार्केट चेंज हो रहा है। देन तो आपको क्या करना है, ये वाला आइडेंटिफिकेशन करना है, सिर्फ ये वाला हाई एंड लो बस, और कुछ भी आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करना है। सिंपल बेस पे आप देखो जहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया, क्योंकि पहले मार्केट क्या था आपका अप, अब मार्केट कहाँ है, डाउन। टू डाउन का रिवर्सल कहाँ से हुआ, इस एरिया से। तो बस इस एरिया को आप फाइंड आउट करो, और इस एरिया को फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, सिंपल बेस पे दूसरा तरीके से ये फाइंड आउट होता है। आप लोगों को क्या देखना है, आपको ना सिंपल बेस पे बीच में से ट्रेड पकड़नी है, मतलब मार्केट आपका ऐसे जा रहा है, आपको अपना बीच वाला हाई देखना है। जैसे आपने ये देखा कि ये मेरा क्या हो चुका है, इस लेवल पे ब्रेक, इसको मैं रिमूव करता हूँ। आपने देखा ये मेरा ब्रेक हो रहा है, और ये हाई क्यों था, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट ले लिया। इसका आप लो मत ढूंढो कि लो कहाँ है, आपने ट्रेड ही वो पकड़ी है जो कंटिन्यू आप ट्रेंड में जा रही है। मेरे कहने का मतलब ही, ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा बट ये बहुत जरूरी है, तो इसको रिपीट करके आप बार बार देख सकते हो, तो आप क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट का इसका लो फाइंड आउट मत करो। आपने ये हाई कैसे देखा कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हाई था, और आपने ये वाला हाई क्यों लिया, बिकॉज आपने बीच में देखा है, क्योंकि आपको पता है कि इसको मार्केट ने क्या कर चुका है, मार्केट इस लेवल को हमारा प्रॉपर तरीके से ब्रेक कर चुका है। तो आपने जस्ट इसका ये हाई देखा और इसका लो कन्फर्म हुआ, और इसका ये हाई कन्फर्म हुआ जब मार्केट इंड्यूसमेंट, देन कंटिन्यू स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड वन, आपने यहाँ से देखा कि रिवर्सल कहाँ से हुआ, इस लेवल से लास्ट हाई ये था क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो ये हाई था तो ब्रेक कहाँ हुआ हमारा, ये वाला, क्योंकि इसका इंड्यूसमेंट था तो इसने ब्रेक किया, तो ये लो था। जनरली यहाँ से चेंज ऑफ करेक्ट, तो आप इस लेवल से भी क्या कर सकते हो, प्रॉपर वे से अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर मैं चार्ट की तरफ बढ़ता हूँ, देखिए चार्ट की तरफ अगर हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो देखो जो आप लोगों को मैंने सबसे पहले क्लियर बेस पे बताया था, मैंने क्या देखा, मैं चलती ट्रेन में चढ़ा, मार्केट क्या हमारा कंटिन्यू डाउन 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 डाउन, मुझे उससे ऊपर कुछ भी नहीं लेना, मैं ये वाला लो ले रहा हूँ। अब ये वाला लो लेने का रीजन, क्योंकि मुझे क्लियर दिख रहा है, क्लियर कटआउट ब्रेक हो चुका है। तो अगर मैंने इधर देखा सबसे पहले ये लो क्यों है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया है, मेरा सबसे पहले आईडीएम लिया, तो इधर आईडीएम, मार्केट ने क्या किया, हमारा आईडीएम इस लेवल पे लिया, मार्केट ने क्या किया, हमारा आईडीएम यहाँ पे लिया। ओके, ये क्या, हम लोगों को आईडीएम, मार्केट ने क्या किया, हम लोगों का आईडीएम यहाँ पे लिया। आईडीएम लेने के बाद अब हमारे पास क्या कंफर्म होता है, जब भी मार्केट हमारा आईडीएम लेता है तो जनरली हमारे पास क्या आ जाता है, कंफर्म हमारा लो। ठीक है, तो जैसे मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, क्लियर कंफर्म हो चुका है हमारे पास, अब कि हमारा क्या कंफर्म हो गया, ये पॉइंट लो। अब देखो आपको इसका हाई फाइंड नहीं करना है कि अगर ये लो है इसका हाई कौन सा होगा, ये होगा ये होगा। देखो सिंपल, इधर भी आपको क्लियर दिख रहा है, मार्केट ने जब भी जब इंड्यूसमेंट लिया तब तब आपका हाई, बट आपको पीछे का नहीं देखना, आप चलती ट्रेंड में है, क्योंकि आपने देखा मार्केट डाउन ट्रेंड है, चलती ट्रेंड में आप लोगों ने स्ट्रक्चर कैच करना है, वो किस तरीके से देखना है। तो आपने ये वाला हाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मुझे क्लियर कट दिखा, इंड्यूसमेंट लिया और क्या हो रहा है, सेकेंड वन क्लियर, इधर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, क्लियर क्या हो रहा है, हम लोगों का यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, क्लोजिंग दे चुका है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग हमें इसके नीचे मिली, तो क्लियर हो रहा है। तो आप देखो, आप लोगों को कंफ्यूजिंग नहीं होगी, अब क्या हो गया, हमारे पास हाई भी अपना इजी वे में मिल गया, हाई एंड लो फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम कंटिन्यू ड्रॉ करते हुए चल रहे, ठीक है। अब बात आती है इसका लो कहाँ है, तो ये देखेंगे, पहला लो ये इंड्यूसमेंट ने लिया, सेकंड लो ये इंड्यूसमेंट ने लिया, लास्ट फाइनल, एंड अगर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ले लिया, जैसे कि यहाँ क्लियर दिख रहा है, मार्केट ने क्या किया,
हमारा ये इंड्यूसमेंट ले लिया। मार्केट ने जैसे ये इंड्यूसमेंट लिया तो हम लोगों क्या कंफर्म हो गया यहाँ पे लो। अब आपके पास क्या कंफर्म हो चुके हैं, हाई आपके पास है, लो आपके पास है, ठीक है। अब मार्केट अगर हाई ब्रेक करता है तो क्या होगा, आप लोगों चौक चेंज ऑफ करेक्टर, और लो ब्रेक करता है तो क्या होगा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यूएशन। मार्केट क्या है, कंटिन्यूएशन दे रहा है। एंड कई बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आपने सुना होगा कुछ बोलते हैं सीओएस, ठीक है, कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर, तो वो भी होगा। देन अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए इसमें, बिल्कुल भी नहीं। अभी क्या, अगर आप लोगों को समझ नहीं आए तो एक बार से रिपीट करके जरूर देख लो, आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा कि आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर लेता हूँ, देखो मेरा स्ट्रक्चर क्या था, कंटिन्यू डाउन, मुझे यहाँ कुछ नहीं देखना कि यहाँ इंड्यूसमेंट लिया, ये हाई था, ये लो था, मैं जस्ट यहाँ पे आया, डाउन पे आके मैंने देखा सबसे लास्ट वाला ड्राफ्ट रिसेंट देखा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे कैसे दिखा, नेकेड दिखा, कि मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट हाई ले लिया, और मार्केट ने हाई ले लिया और ये कंटिन्यू डाउन आ रहा था। अब ये लो है, इस लो का हाई का है, ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि इस लो का हाई कहाँ है, क्योंकि इसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आगे का भी देखा हुआ है स्ट्रक्चर कि इससे नीचे मार्केट ऑलरेडी क्लोज दे चुका है, तो इसके हाई की हमें कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बेस पे हमें पता लगा स्ट्रक्चर ब्रेक है तो हमने क्या देखा, इसका हाई पॉइंट। अब बात आती है इसके लो की, तो लो कब होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट हमारा ले लिया तो क्या हो जाएगा, हमारा लो भी कंफर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को मे भी समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपल बेस पे सिर्फ यही याद रखना है, आप पीछे का मत फंसो कि पीछे क्या हो रहा है, किसका हाई कहाँ है, किसका लो कहाँ। आप जनरली ये देखो लास्ट में कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ये लो था, अब आप कंफ्यूज होंगे कि इस लो का हाई कहाँ है, इस लो का हाई हमें तब देखना अगर यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, बट आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ने ये लो कंफर्म करने के बाद ब्रेक कर दिया है, तो आपके पास हाई कंफर्म हो गया। अब बात आती है कि लो कंफर्म करना, जब मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया तो लो कंफर्म, अब दोनों पॉइंट आपको मिल गए, हाई भी मिल गया, लो भी मिल गया, अब आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो। आपको ब्रेक करा, दैट्स कॉल्ड चोक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन की तरफ ब्रेक करा, दैट्स कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो सेम यहाँ पे मैंने वही बताया, मैंने इस वाले लो का हाई फाइंड नहीं किया, कहीं भी कहीं मैंने हाई फाइंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने क्लियर देखा है कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो मुझे इसके हाई ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाई कब देखता है इसका मैं, अगर चेंज ऑफ करेक्टर होता तो मुझे हाई फाइंड करने की जरूरत पड़ती, बट हाई फाइंड करने की अब कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज मार्केट ने ये लो कन्फर्म किया इंड्यूसमेंट लेने के बाद और ये लो को ब्रेक कर दिया। देन अब मेरे पास क्या क्लियर हो गया, हाई एंड लो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर्स को मैपिंग कर सकता हूँ कि मार्केट किस तरीके से अभी मूव करता है, अगर लो तोड़ेगा तो कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम करेंगे, हाई तोड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, तो जैसे मार्केट ने क्या किया, आपके अपर साइड को ब्रेक कर दिया, क्या हो गया आपका यहाँ पे चौक, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल ले लिया। अब देखो, अब आप लोग जो मैं आपको बता रहा था कि आप डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो जहां से आपका क्या होता है चेंज रिवर्सल, तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना, इधर देखो ये लोएस्ट पॉइंट तो आपको तभी पता लगेगा, देखो लो तो इसका क्लियर बन गया कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है। अब बात आती है इसका ये वाला हाई हम कैसे फाइंड करें, सेम तरीके से हम इधर देखेंगे कि मार्केट ने कहां प्रीवियस में इंड्यूसमेंट लिया, तो सिर्फ ये एक लेवल दिख रहा है जहां पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, बाकी कंटिन्यू मार्केट इसी तरीके से आ रहा है, ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज इंटर मार्केट क्या कंटिन्यू हमारा इसी तरीके से आया जा रहा है, तो इसका हाई भी हमें क्लियर मिल जाता है जहां से आपका रिवर्सल होता है कि आपने देखा कि मार्केट यहाँ से तो डाउन था हमारा, अब यहाँ से अप जा रहा है, तो यहाँ से अप क्यों जा रहा है मार्केट, ये हमारे को जानने की बात है, बिकॉज रिवर्सल हो गया है, रिवर्सल के लिए आप पे लो कन्फर्म है बट आपको ये नहीं पता है कि रिवर्सल यहाँ से होगा पर चौक कहाँ होगा, मेन बात आती है कि चेंज ऑफ करेक्टर किस लेवल पे हम लोगों को होगा, तो वो भी आपको इसी तरीके से फाइंड करना है ये वाला लो देख के। तो सारी बात अगर हम इसे मिला के देखते हैं ना सबसे पहले, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, यही तरीका है जो आपको मैंने बताया था, सबसे ज्यादा यही वर्क करता है, मैक्स सारे ट्रेडर इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं एसएमसी के, आपको प्रीवियस का कुछ लेना ही नहीं, आपने जस्ट करंट का देखना है कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, ये लो कंफर्म हो चुका है, तो आपको इसके हाई ढूंढने की जरूरत नहीं कि हाई हमारा किधर होगा, आपको जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने डाउन ब्रेक कर चुका है, तो जनरली आप पे हाई कंफर्म हो गया, अब आपको क्या फाइंड करना है, लो इंड्यूसमेंट लेते ही लो, अब आप पे दोनों पॉइंट है, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो, तो काफी इजी है। सबसे ज्यादा लोगों को यही डाउट थे, बहुत से लोगों के कमेंट भी थे, पर्सनली डीएम भी किया था टेलीग्राम पे, इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज है मेन कि आप लोगों को प्रॉपर वे से पता लगे
कि हम लोग स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई होगी तो आप लोग इसे अगेन एक बार रिपीट कर सकते हैं। एंड बहुत से तरीके होते हैं हमारे और चीजों को भी फाइंड आउट करने के। एंड अगर आप लोगों को डीपली तरीके से एसएमसी को सीखना है तो आप लोग हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, जहाँ से आप हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मे बी आप लोगों को समझ आ गए कि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से किस लेवल से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका हाई ढूंढने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्लियर बेस पे पता था कि मार्केट ने ये ब्रेक कर चुका है, तो इसका हाई मत ढूंढो। सिंपल सा, ये लो फाइंड किया, ये हाई हो गया, अब इसका लो फाइंड करो। ये अब मार्केट ने कंटिन्यू क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपको पता हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेगा। तो सेम आप कंटिन्यू उस तरीके से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। मैंने रैंडमली लिया ये पॉइंट, ठीक है, मैंने रैंडमली पॉइंट्स लिए हैं ऐसे ही रैंडमली। अगर मैं दूसरे करेंसीज पेयर में चलता हूँ, अगर हम नेक्स्ट करेंसीज पेयर देखते हैं, देखो हम रैंडमली नेक्स्ट करेंसी ले लेते हैं US 30। देखो US 30 हमारे सामने रैंडम, हमने क्या किया, US 30 को ड्रॉ कर लिया। तो US 30 देखने के बाद आप सिंपल वेज पे देख सकते हो कि मार्केट क्या है, यहाँ से हमारा रिवर्सल था, मार्केट क्या था, हमारा यहाँ से रिवर्सल लिया। तो लास्ट पॉइंट हम चेक करेंगे रिवर्सल का, क्योंकि 1 मिनट है तो स्ट्रक्चर आपको मे भी बड़े दिखे होंगे। 1 मिनट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स हमें 1 मिनट में ही मिलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ये लो हमारे को कंफर्म करना है। तो अगर ये लो हम लोगों को कंफर्म करना है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका यही है, अगर ये लो हम लोगों को कंफर्म करना है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा वेयर इज इंड्यूसमेंट। तो मार्केट ने क्या किया, इसका इंड्यूसमेंट ले लिया उस लेवल पे, तो हम लोगों क्या हो गया, कंफर्म लो। अब बात आती है कि ये चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ होगा। तो सेम इसका हाई फाइंड करने का तरीका आप देखो कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट किधर लिया। तो सिंपल वे से हम देखेंगे मार्केट ने कहीं भी कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया। आपको क्लियर दिख रहा होगा इधर कि मार्केट ने कहीं भी अगेन एक और इंड्यूसमेंट नहीं लिया। तो आप देख सकते हो कि मार्केट कहीं भी आपका इंड्यूसमेंट नहीं ले रहा, बस कहाँ दिख रहा है हमें, एक सिंपल बेस पे अगर आप लोग फाइंड आउट करोगे तो देखो रैंडम पॉइंट्स पे आपको देखना मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से, इधर मार्केट ने जो मूवमेंट करी है वो किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट हमें दी है। तो मार्केट डाउन आया, मार्केट ये हाई लगाया, मार्केट फिर लो आया, फिर ये हाई लगाया मार्केट ने, फिर मार्केट डाउन आया, तो मार्केट ने क्या किया, ये हाई को अपना इस लेवल पे ले लिया, उसके बाद मार्केट हमारा डाउन गया। तो सिंपल बेस पे हमने इधर क्या फाइंड किया कि हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ है, इस लेवल पे हम लोगों का इंड्यूसमेंट है, इस लेवल पे हम लोगों का इंड्यूसमेंट है। तो इसी तरीके से ना आप लोगों को जनरली सिंपल बेस पे हर एक करेंसी पेयर्स में रैंडमली ही चेक करना है। रैंडमली आप लोग अगर चेक करोगे तो आप लोगों को इजी वे में समझ आ जाएगा कि किधर आपके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हैं और किस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मतलब आपको वही पॉइंट पकड़ना है सिंपल बेस पे जहां से आप लोगों का रिवर्सल आप लोगों को दिखता है, और उस लेवल से आप लोगों को क्या करना है, सिंपल बेस पे उसको ड्रॉ करते हुए कंटिन्यू आपको उसको आगे बढ़ाना है। कंटिन्यू आप लोगों को क्या करना है, उसे आगे बनाना। मतलब आपको एक लेवल तो लेना ही पड़ेगा जहां से रिवर्सल हुआ, और वहां से प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करोगे उधर प्रॉपर वे से, तो आप लोगों क्या हो गए, वो लेवल स्ट्रेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना। तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे होता है प्रॉपर वे से अगर हम देखेंगे, अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो मार्केट ने क्या किया, ये लो ले लिया इधर, तो ये एक्ट लाइक ए इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था, और इसको कोई अब ब्रेक करेगा, दैट्स कॉल्ड आवर चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। अगर मैं इधर लाइन मार्कर ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हो गया हम लोगों का इधर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। जब इससे अपर साइड हमें क्या मिल जाएगी, क्लोजिंग मिल जाएगी, इससे अपर जैसे क्लोजिंग मिलेगी, ये यहाँ पे क्लोजिंग जैसे दिया, क्या हो गया हमारा कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल बेस पे। आपको रेंडमली लेना है, आपको ना ही पीछे का कुछ देखना कहाँ से कहाँ है। मैंने यहाँ पे जस्ट क्या देखा, नॉर्मल बेस पे ये वाला लो कंफर्म किया, सबसे पहले अपना जो सबसे लास्ट था इसको कंफर्म किया कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, तो इस लो का बात आती है, इस लो के हाई का है। तो मैंने सेम इसी तरीके से एक और इंड्यूसमेंट देखा, तो एक और इंड्यूसमेंट मुझे कहाँ दिखा, इधर ऊपर दिखा, एक और इंड्यूसमेंट मुझे ऊपर दिखा कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो मुझे इस लेवल पे दिखी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट डाउन आया, अप गया, फिर लो आया, फिर पुल बैक क्रिएट किया, फिर डाउन आया, और ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ पे ले लिया, और फिर इसको क्या करा, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हाई ऑलरेडी हमारा क्या हो चुका था, यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि ये क्या हम लोगों का यहाँ पे हाई है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी, इस तरीके से क्या करते हैं, हम इसको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा सेशंस होते हैं, जो आप लोगों को स्ट्रक्चर्स मैपिंग करनी है,
वो आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके क्या कर सकते हो, इसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, एंड जोन से भी आपको टॉपिक लेना है नेक्स्ट वीडियो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। जोन से भी सबसे ज्यादा कमेंट आया जिस टॉपिक के बारे में, उस पर हम क्या बनाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, ये आप लोग डीएम भी कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का स्ट्रक्चर में अपनी यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।